भी बड़े बच्चों के लिए, और ये था गर्ल्स टेबल, सारा सारी गर्ल्स इस पे, बाकी बॉयज इधर, जूनियर सारा इधर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। और चलो मैं लगा के आता हूँ। अब वो नहीं है गार्ड साहब, चलो यहीं लगा देता। लुक एट दिस ब्यूटी मैन, लुक एट दिस ब्यूटी। हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस्ड कि आई विल बी शोइंग यू द स्कूल, और स्कूल का व्लॉग स्पेशली आएगा। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग राइट नाउ, एंड हमारे पास अपना पुराना स्टाफ है, जो लोग नोन है वो देख रहे होंगे, सुरजीत पाजी, संजीत पाजी, सारे यहीं पे हैं। और दिस इज़ आर ब्यूटिफुल स्कूल, जिन लोगों को नहीं, ये स्टेज है, यहाँ पे वी यूज टू प्ले क्रिकेट, एंड वो बास्केटबॉल कोर्ट हो गया सारा कुछ। बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग इज़ ऑल अबव, जो ऊपर का फ्लोर है, दिस कोन कोन कोन, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज़ ऑल गर्ल्स हॉस्टल, एंड उसके नीचे ये ऑडिटोरियम है पूरा, बाकी नीचे लैब्स वगैरह हैं, क्लासेस हैं, और वो नीचे मेन ऑफिस हो गया। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, एंड दैट इज़ द स्टेज, एंड दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, और इसके अलावा भी और पार्ट्स हैं, वो मैं आप लोगों को इसके आगे दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। और भाई सब बढ़िया, कुछ कहना तो नहीं? चलो पाई वगैरह, जब हम लोग, मतलब हमारे से भी पहले से, कितना टाइम पहले से, हमसे तो बहुत टाइम पहले से, 2005 से यहाँ पे है, और हमारा तो पूरा टाइम बढ़िया निकाला भैया ने। और चलिए नीचे, हॉस्टल बेसिकली अभी खुला नहीं है, बिकॉज इट्स लॉकडाउन ओनली, मतलब काइंड ऑफ, तो बच्चे अभी वापस नहीं आए, तो हॉस्टल में नीचे लॉक लगा हुआ है, बट आई कैन शो यू द आउटर पार्ट ऑल, तो वो सब चीज़ आप लोग वहाँ से देख लेंगे। कितनी ज़्यादा मेमोरीज हैं यहाँ पे, ये पोल पे फुल ऑन यहाँ पे डंक वगैरह मार लेते थे ऐसे ज़बरदस्ती लटक के, और यहाँ पे अपनी बॉडी वॉडी बनाई है फुल, और क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है, लव दिस स्कूल मैन। और वो जो सेकंड बिल्डिंग है, मैं नीचे से दिखाता हूँ, अभी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, दिस इज़ वन वे डाउन, और वहाँ से दूसरा है, और चलते हैं। इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो गाइज, सो प्लीज़ बी विद मी, सो लेट्स गो। यहाँ पे लाइब्रेरी बना दी अब, ओके, और यहाँ भैया वगैरह का रूम है। नीचे हॉस्टल पार्ट सबसे नीचे, जो बॉयज़ हॉस्टल है वो है नीचे, इसमें सबसे नीचे जाके। सो और जो ऊपर आप लोगों, चलो उसको बाद में बताऊँगा, ये सारा यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह ही हैं, और यहाँ से नीचे मेन पार्ट शुरू होता है हॉस्टल का। जल्दी जल्दी चल लेते हैं ताकि टाइम लंबी वीडियो ना बने। ये लॉक, ये अब लगा दिया गेट वगैरह, पहले गेट नहीं था ना, खुला होता था ये तो सारा, थे गेट, हाँ एल्युमिनियम के थे, हाँ हाँ, और खुले होते थे, क्लासेस वगैरह चलती थी। सो दिस इज द बैक साइड ऑफ द हॉस्टल, आप लोग कह सकते हैं, फ्रंट साइड अभी भी दिखा दूंगा मैं आपको। दिस इज द वे टू द किचन, ये अभी तो बंद होगा, और किचन जहाँ तक मेरे को दिख रही है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। सो दिस इज द थिंग, ये खुल जाएगी भाई, तो चाबी तो होगी इसकी, अरे चाबी की तो, चलो। सो दिस इज द बॉयज हॉस्टल वाला पार्ट, ये पूरा ग्राउंड अपना, सारा कुछ अपना, और ये फुल डॉर्मेटरी, ये तो जालियाँ लगवा दी, अच्छा, तो यहाँ से ये पूरा, ये जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है, ये सारा बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल एज यू कैन सी द बोर्ड ऑल्सो। और दिस इज अनदर बिल्डिंग गाइस, दिस इज अनदर होल न्यू बिल्डिंग, वो जो मैंने फर्स्ट बिल्डिंग दिखाई थी वो वाली थी ऊपर। सो ये बॉयज़ हॉस्टल, ये हमारी वो हो गई डाइनिंग हॉल, और इसी तरीके से था, ये वॉलीबॉल ग्राउंड है एक छोटा, और जो मैं आपको दूसरी बिल्डिंग्स दिखा रहा था इसके अलावा, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, और दूसरी बिल्डिंग आप लोगों को अगर दिख रही हो तो दैट इज़ द सेकेंड बिल्डिंग, ये जो यहाँ पे ये है सेकेंड बिल्डिंग, वनिका टू इसको बोलते हैं, और अपने वाली को नॉर्मल मेन ही ऑफिस है, वो भी वनिका वन ऊपर हो गया, वो वनिका वन, दैट इज़ वनिका टू, ये मेन बिल्डिंग, दिस इज द थिंग। और इट्स बीन टू लॉन्ग, इसकी डाइनिंग रूम तो खोल ही सकते हैं, मैं चाबी ले आएंगे ऊपर से डाइनिंग रूम की, तब मैं चाबी ले आऊँगा, हाँ हाँ इसके बाद ही ले लेंगे।
कैसे घास वास कर दी पूरी, कोई था ही नहीं। हाँ, दो साल से कुछ है नहीं तो ग्राउंड भी फुल ये मिट्टी वाला ग्राउंड था। और एक ही मिट्टी वाला ग्राउंड है पूरे स्कूल में, बस ये वाला। यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। और बाकी ये है मेन रास्ता, यहाँ से ऐसे डाइनिंग हॉल का रास्ता जाता है। नीचे डॉर्मेट्री बताई थी, यहाँ तो लैब बना दिया अब इन्होंने, लेकिन लैब के पीछे वो है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल वो सामने किचन है इसके पीछे, जब अभी खुल जाएगा गेट तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी यादें रही हैं गाइस। मैं कितना 4 साल यहाँ पे रहूँ शिमला में, और फुल टू द बेस्ट लाइफ मैंने यहाँ पे जी है। एंड अगर आप लोग देख रहे हैं द डीएवियंस ओनली, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और ये होता था हमारा स्पॉट, दिस यूज टू बी द स्पॉट फॉर मैनी पीपल। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। हैं भाई समझ गए? दिस वॉज द स्पॉट। एंड ये तो केज बना दिया पूरा। सो दिस इज अनदर वे, यहाँ से हम वापस उसी मेन ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। ऐसे पूरा हम लोग ऐसे घूमे और ऊपर आ गए। सो हम उस साइड से आए थे नीचे, और अब इस साइड से ऊपर जा रहे हैं। ये मेन रोड आ जाएगा, मेन ग्राउंड आ जाएगा, और इस ग्राउंड से व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट। इससे जैसे ही हम लोग राइट को मुड़ेंगे, सो ये वही मेन बिल्डिंग एज यू कैन सी, इसमें जिसमें गर्ल्स हॉस्टल मैंने ऊपर बताया था, दैट इज़ अनदर बिल्डिंग, वो है दूसरी। इसके यहाँ तक चल लेते हैं जहाँ तक ये ड्राइंग वगैरह हो रखी है। और ये जो वनिका वन और वनिका टू मैंने जो बताया था, ये हम लोगों के सामने बनने शुरू हुए थे। क्योंकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो सिर्फ वही मेन बिल्डिंग थी, ये वाली बिल्डिंग बाद में बनी है। ये हो गई छोटी सी एक गुफा, एज यू कैन सी मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। सी ईगो आ रहा है पूरा। एंड दिस इज ये जूनियर सेक्शन है, सारा जूनियर का ही है ना भैया? दिस इज ऑल जूनियर सेक्शन। एंड ओ मैन, मुझे तो सुशीला मैम की याद आ गई, ऊपर ऑफिस था ना सुशीला मैम का। नहीं नहीं बस एक ही हाँ बाहर से ही बस। सो बिल्डिंग में क्या है, ऐसे ये कॉरिडोर है, हाँ ऐसे चल देते हैं। सो द थिंग इज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर पॉज्ड, यू आर लाइक द डीएवियन एक्स डीएवियन, तो प्लीज़ सुशीला मैम को आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इट विल बी लाइक बहुत खुशी मिलती है, यूजुअली कभी कभी बात भी हो जाती है, तो आप लोग की कीप ऑन टेक्स्टिंग हो। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी शी वॉज, एंड मैं हमेशा मतलब हाँ तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। शी वॉज अ मदर टू अस, और उन्हीं के ही अंडर में हम लोग, वो बॉयज़ हॉस्टल में ही रहते थे तो उन्हीं के अंडर में रहते थे हम लोग। सो दिस इज़ द सेकेंड ग्राउंड, और सेकेंड ग्राउंड का नीचे से मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ये भी बाद में बना है, सारा हमारे जाने के बाद। दिस इज़ होल अनदर ग्राउंड, एंड ये सारा चीज़ है। और इसके नीचे यहाँ से रास्ता है, ये जो मैंने दूसरी वनिका टू दिखाई थी, वनिका टू इसके पूरे नीचे, इसके नीचे वनिका टू है पूरा एज इट इज़ नीचे। और जो आप लोगों को हॉस्टल की बिल्डिंग में दिखा रहा था, वो हॉस्टल की बिल्डिंग हो गई, वो सामने वहाँ से दिखाया था, अब यहाँ से दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द हॉस्टल की बिल्डिंग और सारा कुछ। दिस इज़ हॉस्टल की बिल्डिंग, कहाँ गई मेरी उंगली नहीं आ रही, हाँ जी दिस इज़ हॉस्टल की बिल्डिंग, और ये मेन बिल्डिंग ऊपर। बहुत बारी बता दी, अब तो समझ में आ गया होगा पूरा मैप। हम लोग वहाँ से चले थे पूरा मेन गेट से, उस साइड से नीचे उतरे, इस साइड से फिर ऊपर चढ़े, और यहाँ से हम लोग वनिका टू में आ गए। ये घर नहीं हटा पाए है ना, इन घर वालों ने पूरा वो कर दिया, ये घर नहीं खिसके, मतलब फिर तो पूरा पहाड़ टाइप एक डीवी मतलब न्यू शिमला का हो जाता। सो दिस इज़ द पार्ट, एंड लुक एट द व्यू मैन, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, क्या मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट बेसिकली। जो भी आर्किटेक्चर सब काफ़ी सही से बनाया है, द बिल्डिंग कलर्स एंड ऑल, एंड आई रियली मिस दिस प्लेस। और आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं जो लोग यहाँ के, यहाँ से पास आउट है और नोन है, और आप लोग नहीं पढ़ाई की तो आप लोग देख सकते हो कि कैसा था स्कूल हमारा, जहाँ से हमने 12th की
और भैया ने हमें फुल पेट खाना खिलाया, बढ़िया बढ़िया, और लगभग हर चीज़ भाई ने ला के दी है हमको, जो भी हमें चीज़ ज़रूरत होती थी कभी भी। सो लेट्स हेड होम टू द मेन बिल्डिंग ओनली। हाँ, मेन डाइनिंग रूम आप लोगों को लास्ट में दिखा देता हूँ। अभी मैं हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि लॉक लगे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम कभी विजिट करूँगा तो फॉर श्योर जब नमन वगैरह आएंगे तो मैं आप लोगों को हॉस्टल का अंदर से भी दिखाऊँगा। इनकेस कुछ वीडियोज़ होंगी तो शायद डाल दूंगा पुरानी। सो लेट्स हेड होम टू द डाइनिंग रूम स्ट्रीट। सो गेट ऑलमोस्ट खुल चुका है डाइनिंग रूम का, तो लेट्स हेड टूवर्ड्स दिस थिंग ओनली। बहुत लोग मिस कर रहे होंगे इस चीज़ को। यहाँ से मेन एंट्री थी और मेन एंट्री के बाद हम लोग घुसते थे इस चीज़ में। एंड लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। ये फ्रिज तो अब एड ऑन हुआ है। यहाँ पे हैंड वॉश, यहाँ पे छोटे बच्चों का डाइनिंग रूम, ये बड़े बच्चों के लिए, ये भी बड़े बच्चों के लिए, और ये था गर्ल्स टेबल, सारा सारी गर्ल्स इस पे, बाकी बॉयज़ इधर, जूनियर सारा इधर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। लुक एट दिस मैन, ओह अपना टेबल यहाँ पे, जो सीनियर्स होते थे उनके टेबल्स ये हुआ करते थे, ये वाले और ये वाले। तो आई यूज़ टू सिट ओवर हियर, मेरी जो सीट थी वो ये वाली थी, दिस वन। एंड हम लोग टेबल पे होते थे, मैं, अश्वनी, अखिल, अलक्ष, शासन, और इधर जूनियर्स मतलब 11th वाले काइंड ऑफ, प्रज्वल कल्याण, ब्राक्टा जी, और भी काफ़ी लोग सारे इधर बैठते थे। एंड देयर इज वन मोर टेबल ओवर देयर, ये है टीचर्स टेबल। यहाँ पे टीचर्स अपना पूरा डाइनिंग रूम था। यहाँ पे कॉल्स आती थी हम लोगों को घर से इन फोन्स पे, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात करते थे। सो दिस इज द ब्यूटिफुल डाइनिंग रूम, और वो टीवी, बाय द वे वो टीवी है पीछे, जहाँ पे लाइक कॉमन टीवी था, सब लोग बच्चे इसी डाइनिंग रूम में बैठ के यहाँ पे टीवी देखते थे, गर्ल्स ऊपर बॉयज इधर। और जो जूनियर बच्चे हैं वो 5th क्लास तक ऊपर ही है, वो 6th तक गर्ल्स हॉस्टल में ही रहते हैं, और बाकी जितने भी 6th से ऊपर हैं वो नीचे बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं। सो किचन भी आप लोगों को एक बार ही दिखा देते हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्ट, ये तो हमारे सामने बन गई थी, काफ़ी मेमोरीज हैं हमारी। और आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोगों को शिशला हम पहले खाने को बोल देते थे, क्योंकि हम लोग खाना खा के पहले, वी यूज़ टू, जब सारे बच्चे डिनर या लंच कर रहे होते थे, हम लोग उनको देख रहे होते थे कि कोई ज़्यादा शोर ना करे, ताकि टीचर्स सेम टाइम पे खाना खा सके। सो दिस वॉज द थिंग, लेट्स हेड होम, लेट हेड टूवर्ड्स द किचन। दिस इज़ द ब्यूटिफुल किचन, और यहाँ पे बनता था हमारा सारा खाना। और बिलीव मी और नॉट, हॉस्टल लाइफ में लोग कितनी भी कंप्लेंट कर लें कि हम लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट टच वुड, थैंक गॉड कि हमेशा ही, मेरे को तो मतलब मैक्सिमम, मैं बहुत जगह पे गया भी हूँ, ट्रैवल भी किया हूँ, खेला भी बहुत हूँ, लेकिन जो अपने हॉस्टल में मिलता था, जो हाइजीन यहाँ का था, जो टेस्ट यहाँ का था, जो भैया वगैरह दीदी वगैरह नहीं है, अदरवाइज मैं सबसे आप लोगों को मिला था, और क्या खाना था, एवरीथिंग वॉज गुड। और दिस इज़ द स्मॉल स्टोरी ऑफ माई DAV न्यू शिमला। एंड आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ फ्रिज नहीं हुआ करता था, फ्रिज की जगह टेबल होती थी, सब घी यहाँ पे रखते थे, कॉम्प्लेन यहाँ पे रखते थे, बॉर्नविटा यहाँ पे रखते थे, सारी चीज़ें यहाँ पे रखते थे। और एट द लास्ट लड़ाई किस चीज़ की होती थी कि मेरा, उसने एक चम्मच बॉर्नविटा निकाल लिया, आधे आधे डब्बे ख़त्म हो जाते थे बच्चों के बॉर्नविटा के। सो दिस वॉज द थिंग जो वहाँ पे, मतलब दिस इज ऑल हॉस्टल मोमेंट्स जो हॉस्टल में रहे हैं। वो वाली टेबल थी है ना भैया, वो जो उधर कोने में रखी है, वो टेबल यहाँ पे थी। सो दीज आर ऑल द हॉस्टल मोमेंट्स। सो आई होप आप लोग इंजॉय किया होगा पूरा। भाई इधर से चले, ये इधर से चलना, चलो इधर से निकल लेते हैं। हाँ हाँ, आप बंद करके आ जाओ। ओ मैन, व्हाट आर मेमोरीज, देख लीजिए जो पुराने हैं, बाकी नए तो अभी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी मिस स्कूल, बेसिकली मेन पर्पज यही है। अभी तो फुल डार्क हो गया होगा हॉस्टल में। व्हेन वी आर इन द हॉस्टल, हम लोगों को अहमियत समझ में नहीं आती है कि उसकी क्या है, बट थैंकफुली वी वर नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, या हम वैसे नहीं थे, हम लोगों को पता था कि क्या है। हमने फुल आखिरी तक अपनी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छे से जी है, बहुत यहाँ पे बहुत टाइम खड़े रहे हैं, क्योंकि यहाँ से और वहाँ का कॉन्टेक्ट सीधा बनता था। सो दिस वॉज द थिंग, एंड नॉट द कॉन्टेक्ट, बट जैसे डाइनिंग, जैसे
डिनर से पहले आके खड़े हो गए लंच में, तो दिस वॉज द थिंग, यहाँ पे खड़े होते थे ये हॉस्टल में संडे को रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पूरे इन पे बैठ के हम लोग नेल्स काटा करते थे, और कैन यू गेस इमेजिन, इसके नीचे एक नाला है पूरा, तो हमारी बॉल बहुत टाइम नीचे चली जाती थी, तो बॉल लेने बहुत सारी मोमेंट्स है गाइज, बहुत सारी मोमेंट्स है, मैं सारी एक साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट जितनी भी हैं आई एम रियली लविंग इट। एंड आप लोग भी जब भी हॉस्टल विजिट करते होंगे तो सेम वाइब्स आती होंगी जो मेरे को आ रही है। सो थैंक गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स की भेजा है यहाँ पे, एंड आई हैड दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ ओवर हियर। सो यहाँ से तो ऊपर चले ही गए थे, सो आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हेयर ओनली, हाथ दर्द हो गया फुल, आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हेयर ओनली, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जितने भी डीवियंस हैं, जितने भी हॉस्टलर्स हैं, सबके पास तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। एंड देख लो कितना, लेकिन यहाँ से ऊपर तक चढ़ने में तो बहुत सीढ़ियाँ आ जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ से हम लोग वापस मेन बिल्डिंग में आ गए, और मेन बिल्डिंग के बाद ये हुआ हमारा वापस से मेन ग्राउंड। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन मैन, क्या प्यारी लोकेशन, अगेन द बिल्डिंग, उफ, इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक। मैं आता रहता हूँ, मेरे भांजे यहीं पे पढ़ते हैं, सो आई हैव गॉट क्या कहते हैं रीज़न टू कम, एक बहाना मिल जाता है आने का। बाकी आई लव दिस प्लेस, आई विल मिस दिस प्लेस, आई विल मिस ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे थे, स्पेशली द क्लोज वंस, फ्रेंड्स जितने भी थे, क्लासमेट्स एंड ऑल, कॉल आ रहा है। सो दैट्स द एंड ऑफ द ब्लॉग गाइज, आई होप आप लोग विश स्कूल ब्लॉग आप लोगों ने जो डिमांड की थी पसंद आया होगा, सांस चढ़ के नीचे से आते भाई, रनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इस हाई एल्टीट्यूड में करनी पड़ेगी ताकि स्टैमिना ज़्यादा बूस्टअप हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करिए, एंड विद दिस सेड मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी ब्लॉग में, और शिमला की ब्लॉग की सीरीज़ आई विल बी कंटिन्यूइंग, और दैट्स द एंड ऑफ द ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हाथ पूरा दर्द हो रहा है, मेरे को इसके लिए ट्राइपॉड भी लेना है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, पीस।